Hi, this is Akshit Sukhija and you're watching me on Delhi Reporter. Thank you. Okay, Kaina, अब जो आप लौटे हो, एक रोमांटिक ईशान को हम छोड़ चुके हैं, इविल ईशान आ चुका है, इस बारे में क्या कहोगे, कितना एंजॉय करो इस इविल फेस को? पहले ईशान बहुत चीजी था, हम सीन करते करते भी बोलते थे कितनी चीजी लाइंस है, बट अब जो करने को मिल रहा है वो मुझे बहुत सालों से करना था, बट मैं इस शो में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे करने को मिलेगा, बट बहुत मज़ा आ रहा करने में. मैंने अभी बहुत कम सीन्स किए हैं, बट उन्हें ही करने में मुझे बहुत मज़ा आया, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे क्या आने वाला है. ये हॉटनेस जो अंदर चल रही है ईशान और अगस्त्य और बाकी की, क्या लग रहा है ईशान कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा? ऑब्वियसली वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तभी तो वो वापस आए उन दोनों को अलग करने के लिए, एंड ऑब्वियसली वो उनके प्यार में भंग डालने वाले हैं. यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो डेट नाइट प्लान करेंगे डेफिनेटली ईशान ने कुछ ना कुछ प्लान किया होगा. अगर ऑडियंस को याद हो तो ऐसी एक डेट पे ईशान और पाकी भी गए थे, फिर अगस्त्य ने बैठे बैठे वो किया था ईशान 0 अगस्त्य 1, बस वो टिट फॉर टैट होने वाला है. ना खुश तो होना भी चाहिए, अगर वो ना खुश नहीं होगी तो फिर मतलब हम अपना जस्टिस नहीं कर रहे हैं शो के साथ. सो यही चाहिए था हमें कि लोगों को गुस्सा आए कि ईशान वापस क्यों आ गया, कुछ कुछ को खुशी है कि वापस आके अपना बदला ले रहा है, कुछ कुछ को नहीं होगी, सो हमें वही चाहिए. बट आई एम रियली ग्लैड योर ऑडियंस को सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स पसंद आए हैं. लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड. आई वुड से प्यार तो ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉर्नर तो कहीं ना कहीं है, प्यार भी है, लाइकनेस भी है, बट उससे ज्यादा वो गुस्सा है कि इतना बड़ा इतना बड़ा धोखा क्यों, धोखा भी इज़ द रॉन्ग वर्ड, बताया क्यों नहीं, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं डिजर्व नहीं करता था ये सब.